इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। शिवसेना ठाकरे समूह के नेता खासदार संजय राउत जी को आखिरकार जमानत मिल गई है। करीब 100 दिनों बाद वो जेल से रिहा होंगे। इस खबर के बाद ट्विटर पर टाइगर इज बैक भी तेजी से ट्रेंड हो रहा है। पत्रावला चाल घोटाले के मामले में संजय राउत जेल में थे। संजय राउत को 31 जुलाई को पत्रावला चाल मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें अपने परिवार के अलावा किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था। बीच की अवधि में संजय राउत की ओर से जमानत के लिए बार बार अदालत में आवेदन किए गए, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। हालांकि आज उन्हें आखिरकार जमानत मिल गई है, इसलिए शिवसेना अपनी खुशी जाहिर करते नजर आ रहा है। जमानत अर्जी पर आज सुनवाई के बाद उन्हें जमानत मिल गई है, इसलिए संजय राउत को जेल से बाहर निकालने का रास्ता साफ हो गया है। संजय राउत को जमानत मिलने से ठाकरे समूह खुशी से झूम उठा है। संजय राउत इनको जामीन देने के लिए अनिल देशमुख के मामले का दाखला दिखाया गया। जिस तरह से देशमुख को जमानत दी गई थी, उसी प्रकार संजय राउत की जमानत मांगी गई। अदालत ने इस मांग को मान लिया और उन्हें 2 लाख पर रिहा करने का निर्देश दिया। इस बीच ईडी ने संजय राउत की जमानत का विरोध किया है। सूत्रों ने बताया है कि संजय राउत की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर ईडी हाई कोर्ट में जाने वाली है।